जैसे कि आपको मालूम होगा, आज हम प्रॉब्लम गुडविल का लाए हैं। इससे पहले आपके पास गुडविल नाम के चैप्टर सीबीएसई बोर्ड क्लास ट्वेल्थ की वीडियो ऑलरेडी आपके पास दो वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक, यानी फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन आपके पास इसका सॉल्यूशन जा चुका है। अब हम उसके आगे की प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 के मुताबिक, प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर 2017, 20,000, 2018, 24,000, 2019, 30,000 and 2020, 25,000 and 2021, 18,000. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर साइनिंग वेट 1, 2, 3, 4 and 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 18, 19, 20 and 21। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर पढ़ा जा चुका है। अब चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की ओर। यहाँ से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हमारे सामने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ईयर, प्रॉफिट और वेट, ये चीज़ क्वेश्चन से ही हम लेते हैं। 2017, 18, 19, 20, 21 का प्रॉफिट दिया है और साथ ही इसका वेट भी दिया गया है सवाल में। हम दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल लेंगे, यानी 20 की मल्टीप्लाई 1 से, 24,000 की 2 से, 30,000 की 3 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बना लेंगे और फिर प्रोडक्ट का टोटल करेंगे और वेट का भी टोटल करेंगे। ये सब वेट मिला के 15 होता है और टोटल जो प्रोडक्ट है प्रॉफिट का 3,48,000 होता है। इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट का पता चल जाएगा, यानी 3,48,000 को 15 से डिवाइड करेंगे 15 से, तो 348,000 को 15 से डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पर 23,200 रुपये प्राप्त होता है। और यहाँ पर जब हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है तो क्वेश्चन में कहा गया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 ईयर ऑफ परचेज यानी 3 गुना कर दिया जाए, तो 3 गुना करेंगे तो 69,600 हमारा गुडविल यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत ही इजी तरीके से आपने सॉल्व किया है। इसी तरह वीडियो देखते रहिए। और अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 के मुताबिक, रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 60 and 40 एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर्स दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ ₹50,000 and ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। द एनुअल अकाउंट है सोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी ईयर एंडेड 31 March 2019, ₹1,40,000, 2020, ₹1,01,000 and 2021, ₹1,30,000. On 1st April 2021, Genu is admitted to the partnership for 1/4 share in profit without any salary. Goodwill is to be valued at 4 years of purchase of weighted average profit of the last 3 years. The partner's salary, after a partner salary, profit to be weighted as 1, 2, 3, the greatest weight being given to the last year. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 14 आप भी अपनी बुक से अवश्य मिलाएंगे, इसके बाद ही सॉल्यूशन चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर यहाँ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14 में जब आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो 19, 20, 21 का प्रॉफिट यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, वेट भी दिया हुआ है किताब में सवाल के अंदर। मल्टीप्लाई करके हम वही प्रोडक्ट निकालेंगे जैसे हमने 13 में निकाला, प्रोडक्ट का टोटल और वेट का टोटल करेंगे। इसके बाद हम टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड करेंगे। 122,000 का वेटेड एवरेज प्रॉफिट प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर दो पार्टनर दिए गए हैं, तो नेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम उन दोनों पार्टनरों की सैलरी जो कि 50,000 और 40,000 की दी गई है उसको हम माइनस करेंगे। 122,000 में से हम दोनों की सैलरी माइनस करेंगे तो जो नेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा वो 32,000 का प्राप्त होगा, यानी 32,000 का। गुडविल में कहा गया है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का 4 ईयर आप परचेज यानी 4 गुना कर दीजिए, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128,000 का यहाँ पर गुडविल आ जाएगा।
इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इजी तरीके से हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 को बहुत ही इजी वे में आपने सॉल्व किया है और अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनुज रुपीज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज ₹60,000 ईच। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर पीज 3,60,000। 420,000 गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। आइए चेक करते हैं इसका सोल्यूशन। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है सुपर प्रॉफिट मेथड क्वेश्चन नंबर 15। गुडविल का है, CBSE बोर्ड के प्रॉब्लम है। नॉर्मल प्रॉफिट, सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे जिसका फार्मूला होता है कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल बुक के मुताबिक जो क्वेश्चन दिया उसमें 10 लाख रुपए का है, उसका 15% काटेंगे तो 150,000 यानी 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा। क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटाते हैं, एवरेज में से नॉर्मल घटाएंगे तो सुपर आएगा, लेकिन सुपर के लिए एवरेज और नॉर्मल दोनों होना चाहिए, तो नॉर्मल यहाँ तो निकल गया। एवरेज का फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट को जोड़िए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 3 साल का जो प्रॉफिट है इसको 3 से डिवाइड करेंगे टोटल करके, तो 3 साल का प्रॉफिट 1,08,000 आता है। 1,08,000 3 से डिवाइड करके 360,000 शुद्ध प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन अब इसके बाद हम इसका नेट एवरेज प्रॉफिट और आगे बढ़ के एक स्टेप निकालेंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने क्वेश्चन में सैलरी दिया है दोनों पार्टनर को 60,000 का, तो हम जो एवरेज प्रॉफिट आया है इसमें से दोनों की सैलरी 120,000 माइनस कर देंगे तो जो नेट एवरेज प्रॉफिट है 240,000 का आ जाएगा। अब क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट की सख्त ज़रूरत है तो सुपर प्रॉफिट के लिए फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर मौजूद है और नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर मौजूद है 150,000 का, तो हम एवरेज में से नॉर्मल को घटाएंगे तो 90,000 का यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ गया है। तो क्वेश्चन के मुताबिक सुपर प्रॉफिट को 2 ईयर आप परचेज करेंगे तो हमें यहाँ पर गुडविल का पता चल जाएगा, तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 90,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 180,000 का अच्छी तरह से यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर यहाँ नीचे गुडविल आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, और जिसको आपने बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 को बहुत ही इजी तरीके से आपने सॉल्व कर लिया और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16। और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 के मुताबिक आपकी स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ लिखा है गुप्ता एंड बोस हैड ए फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड ₹50,000 ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स वर ₹16,000 द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्रीज 15% गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन को अपनी बुक से अवश्य मिलाएं। चलिए सॉल्व करते हैं आज का अंतिम प्रश्न। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 में नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल भी दिया हुआ है। अगर कैपिटल दिया है 50,000 का तो हम उसको 15/100 करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 7,500। एवरेज प्रॉफिट बुक में ही दिया है 16,000 का, 16,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट अप्लाई कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 16,000, यानी इसमें से हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा। गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 4 ईयर ऑफ परचेज, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 34,000 का गुडविल बहुत ही इजी वे में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान तरीके से कर लिया है। इसी प्रकार आप बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। ऐसी ही वीडियोज जितनी बार आपके पास आ रही हो उनको शेयर अवश्य कीजिएगा। यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, लाइक तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है आपको। फिर लेकर आएंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।